आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। मैं तो उस पर बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। बटेंगे जैसे बयान से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए जब वो मंच पर खड़े होके हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं। बांटा किसने? पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियाँ गोत्र किसने बांटा? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा, बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था कैसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहें, उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज पर। देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर के षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं बेहद दमदारी से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जाएगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, मुझे नहीं पता आपके लिए इसके कोई मायने हैं या नहीं, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफ़र करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ही ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे दो तीन जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे उनका शीशा चकनाचूर हो गया, उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गाँव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आस्था, उन सबसे अपील करता हूँ कि कभी भी ऐसे किसी कृत्य का हिस्सा ना बने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो। ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन पुलिस से ये मांग करता हूँ, करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का हो रहा है, जनता का नुकसान है, तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका नुकसान होगा, कल उन पर कार्रवाइयाँ होंगी, ये नासमझी खतरनाक है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी जागरूक नागरिकों से, उनके माता पिताओं से, बच्चों के और उनके परिवार के लोगों से कि ऐसी किसी भी घटना के लिए सबसे पहले स्वतः अपने बच्चों को घर पर जागरूक करें और फिर स्कूल में भी इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना। सर एक सवाल और, सीसा अभियान पर आप आए थे कुछ दिन पहले, कानपुर आए थे, आपने कहा था इरफान को सपोर्ट किया जाएगा, आप क्या कहते हैं? देखिए राजनीतिक रूप से मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन अगर वो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुल्म हो तो उसकी मदद करनी है या उसको अकेला छोड़ना है, जनता को तय।